नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज करंट अफेयर्स के पांचवें अंक के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। आज फिर हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग इसका लाभ उठा रहे होंगे और मेरा यह प्रयास आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। इससे पहले यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं कि स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। मतलब आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर दीजिए। यूज व्हाट यू हैव, आपके पास जो है उससे ही शुरुआत कर दीजिए। और डू व्हाट यू कैन, आप जो कर सकते हैं वो करिए। तो इससे सीख लेते हुए हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोचकर पढ़ाई शुरू करेंगे कि जब तक सब कुछ हमारे पास नहीं होगा, जब तक हम परफेक्शन में नहीं आएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर उसके लिए देर हो जाएगी। तो जो है उतने से शुरुआत करना चाहिए, धीरे धीरे सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है इनर लाइन परमिट का विस्तार। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में नागालैंड का एक ज़िला है दीमापुर, दीमापुर को इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अधीन किया गया। अभी तक ये जो दीमापुर डिस्ट्रिक्ट है वो इनर लाइन परमिट में नहीं आता था। करने की ज़रूरत क्या थी? तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुआ, उसका विस्तार इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों में नहीं है, इसलिए दीमापुर को भी उससे बाहर रखने के लिए नागालैंड की सरकार ने दीमापुर को भी इनर लाइन परमिट में शामिल कर दिया गया। ठीक है, यह अभी तक इस व्यवस्था से बाहर था, क्योंकि यह एक कॉमर्शियल सिटी है, वाणिज्यिक शहर है, और यहाँ पर जनसंख्या जो है सिर्फ आदिवासी नहीं, मिश्र जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, एक और चीज़ है खबर जो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट व्यवस्था के दायरे में शामिल किया गया था। ठीक, दीमापुर को इनर लाइन परमिट व्यवस्था में शामिल करने के लिए क्या किया गया है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, ध्यान दीजिएगा, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 की बात हो रही है, अंग्रेजों के समय की, धारा 2 के तहत नागालैंड के राज्यपाल ने यह आदेश जारी किया है। ठीक, इस व्यवस्था के विस्तारित होने के बाद दीमापुर में रहने वाले जो गैर मूल निवासी हैं, मूल निवासी की बात नहीं हो रही, जो वहाँ के नहीं हैं, गैर मूल निवासी उनकी बात हो रही है, जिसने 21 नवंबर 1979 के बाद ज़िले में प्रवेश किया है, उनके लिए ये अनिवार्य होगा कि वह आदेश जारी होने के, यानी जब से राज्यपाल का आदेश जारी हुआ, उसके 90 दिनों के भीतर इनर लाइन परमिट प्राप्त कर लें। ठीक है, तो कब तक? 90 दिनों के भीतर। अपवाद क्या होगा इसमें, किनको नहीं प्राप्त करना होगा इनर लाइन परमिट? तो पहली चीज़, 21 नवंबर 1979 से पहले दीमापुर में प्रवेश करने वाले जो गैर मूल निवासी हैं, उन्हें भी इसकी ज़रूरत नहीं है, जिन्हें इस संबंध में उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर से प्रमाण पत्र प्राप्त लिया है। कैसा प्रमाण पत्र? कि उन्होंने 21 नवंबर 1979 से पहले प्रवेश कर लिया था दीमापुर में। ठीक है, दूसरी चीज़, वह गैर मूल निवासी जो अपनी यात्रा के दौरान दीमापुर से होकर गुजरते हों था, उनके पास कोई वैध दस्तावेज हो, उन्हें भी इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक, मतलब आपने रास्ते में अगर दीमापुर पड़ जाए, आपको आना जाना है, तो उसके लिए भी ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। CA 2019 तथा पूर्वोत्तर से संबंधित कुछ बातें कही गई हैं इसमें। ILP व्यवस्था के तहत संरक्षित राज्य जो पूर्वोत्तर के हैं वो कौन कौन से हैं? तो नागालैंड इनर लाइन परमिट में आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, और मिजोरम आता है। ठीक है, चार राज्य हैं जो इनर लाइन परमिट में आते हैं, इसको CA के प्रावधानों से बाहर रखा गया। दूसरी चीज़, संविधान की जो 6वीं अनुसूची, 6th शेड्यूल, इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों के अधिसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड रीजन्स जो हैं, उनको भी CAA से बाहर रखा गया है। ठीक, तो देख लेते हैं कौन से राज्य क्षेत्र हैं वो। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर तो ये वाला जो वायलेट कलर का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर ये देखिएगा, ये ILP रीजन है। ठीक है, इनर लाइन परमिट वाले रीजन है, दीमापुर आपका ये जो एरो बना यहाँ पर स्थित है दीमापुर। ठीक है, छोटा सा कॉर्नर आसाम का क्षेत्र से टच होता हुआ। ठीक, तो कौन कौन सा राज्य है? अरुणाचल इनर लाइन परमिट में आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, और मिजोरम आता है। ठीक, ये पूरा क्षेत्र आता है। अब दूसरी चीज़, अंडर 6th शेड्यूल कौन कौन से रीजन्स आते हैं? तो ये थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनरी वाला क्षेत्र है,
आसाम का ये ऊपर वाला क्षेत्र, इधर का आसाम का थोड़ा सा क्षेत्र, मेघालय का लगभग ज़्यादातर क्षेत्र हैं, और बीच में त्रिपुरा के भी थोड़े छोटे 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 रीजन्स इसमें शामिल किए गए हैं, तो वो भी 6th शेड्यूल के अंदर अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CAB या CAA अब बोला जाता है, तो CAA से नॉट एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनसे छूट नहीं प्राप्त है उन क्षेत्रों को जो ये बीच में आसाम का ये वाला क्षेत्र, इसको पूरा कोई छूट नहीं प्राप्त है, इधर के क्षेत्र को नहीं प्राप्त है और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग ढंग से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया आगे देखते हैं। संविधान की 6th अनुसूची में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष बारे में विशेष उपबंध दिया गया इसमें। इनर लाइन परमिट है क्या, ये राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। आपको यात्रा करना है तो उससे पहले आपको इनर लाइन परमिट लेनी होगी। ये भारतीय नागरिकों को देश के अंदर किसी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए यात्रा की अनुमति देता है। इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के आधार पर लागू किया गया। ये पहले भी बताया जा चुका है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम पूर्वोत्तर के पहाड़ी आदिवासियों से ब्रिटिश हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ब्रिटिश नागरिक जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे उनके संरक्षित क्षेत्र में प्राय घुसपैठ किया करते थे आदिवासी लोग। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने अपनी सुरक्षा के लिए इसको बनाया था। आगे बढ़ते हैं। इसके तहत दो समुदायों के मध्य क्षेत्रों के विभाजन के लिए इनर लाइन नामक एक काल्पनिक रेखा, कोई बाउंड्री नहीं है लेकिन उस क्षेत्र को डिसाइड कर दिया गया कि इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आता है, तो एक काल्पनिक रेखा है कि यहाँ से आपको इनर लाइन परमिट लागू हो जाएगा एक फिक्स एरिया से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है लिसिप्रिया कंगुजम के बारे में। इनकी उम्र मात्र 8 साल की है, मणिपुर की रहने वाली हैं। कार्य इनका क्या है, जलवायु संकट से उभरने के लिए एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही का आह्वान करने वाली एक समाजसेवी हैं। चर्चा में क्यों है, अभी COP25 जो स्पेन मैड्रिड में हुआ था, इनमें भारतीय युवा के रूप में भाग लिया था। न्यूज़ में ज़्यादा और भी हाईलाइटेड इसलिए रहे क्योंकि स्पेनिश अखबारों ने इन्हें भारतीय ग्रेटा थनबर्ग कहा है। तो ये देखिए, ये इनकी फ़ोटो है और ये हैं, कौन है, यूनाइटेड नेशन के महासचिव सेक्रेटरी जनरल, क्या नाम है इनका, एंटोनियो गुतरस। ये देखिए एक फ़ोटो है इनकी, इनका इस फोटो पर एक प्ले कार्ड लिया इन्होंने, इस पर लिखा हुआ पास द क्लाइमेट डियर मिस्टर मोदी, पास द क्लाइमेट चेंज लॉ टू अडॉप्ट प्लानिंग मिनिमम 10 trees टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया टू पास देयर फाइनल एग्जाम्स। इन्होंने कहा है कि एक ऐसा लॉ पास करिए जिसमें हर एक बच्चे को अपने फाइनल एग्जाम पास करने के लिए 10 पौधे लगाना ज़रूरी हो, और इस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया कि 350 million स्टूडेंट्स इंटू 10 trees इज इक्वल टू 3.5 billion ट्रीज अ ईयर, एक साल में 3.5 billion ट्रीज लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह से तो एक इन्होंने प्ले कार्ड प्रस्तुत किया था कुछ दिन पहले। नेक्स्ट आते हैं जंगूबाई गुफा मंदिर और कपलाई मंदिर। महाराष्ट्र तेलंगाना सीमा पर अवस्थित जंगूबाई गुफा मंदिर और कपलाई गुफाएँ हैं। यहाँ पर गोंड, परधान तथा कोलम आदि आदिवासी जनजातियाँ तीर्थ स्थल के रूप में मनाती हैं। अभी चल रहा था ये कुछ दिन पहले। ये देखिए ये गुफा मंदिर है जंगूबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोंड जनजाति के बारे में जान लेते हैं, तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्रा, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, इन सारे रीजन्स में पाई जाती हैं। मेजर जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, विंध्य और सतपुड़ा और के मध्य वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं। प्रधान जनजाति गोंड जनजाति का ही एक उपसमूह है, मध्य भारत में, अधिकांशतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। भाषा क्या है इनकी, प्रधान भाषा, इसके अलावा ये हिंदी, मराठी और गोंडी भी बोलते हैं। व्यवसाय क्या है, संगीत एवं गायन करना, त्यौहार समारोह इन सब मामलों में ये संगीत और गायन करते हैं। ठीक है, कोलम जनजाति ये आंध्रा में पाई जाती है, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना में इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PBTGs में शामिल किया गया है। ठीक है, इनकी भाषा क्या है, कोलमी, द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है कोलमी, हिंदू रीति रिवाज एवं एकल विवाह का पालन करते हैं। ठीक है, PBTGs क्या होता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत इसको लिस्टेड किया जाता है। 1975 में एक कमेटी गठित हुई थी डेवर समिति, इसी की सिफारिश पर इसकी शुरुआत हुई थी। क्या होता है, तो कम विकास करने वाले समुदायों का समूह है ये। ओडिशा में सर्वाधिक PBTGs पाई जाती हैं, टोटल 75
हैं इस ग्रुप में, जो एसटी ग्रुप हैं उनमें 75 एसटी ग्रुप्स को पीवीटीजी में रखा गया है। अभी 2017 में इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आया था, तो इस चीज़ को 75 तो याद हो नहीं सकते, लेकिन जो न्यूज़ में रहें उन्हें एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि पीवीटीजी में कौन कौन से ग्रुप शामिल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है फेनी नदी से संबंधित, चर्चा में क्यों है। फेनी के जल के उपयोग हेतु भारत और बांग्लादेश के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी। ठीक, क्या है उद्देश्य, क्या है। त्रिपुरा का एक शहर है सबरूम, इसके लिए पेयजल की आपूर्ति करने के लिए फेनी नदी के जल के बंटवारे की बात की गई। फेनी नदी से 1.82 क्यूशिक यानी क्यूबिक फीट पर सेकेंड वाटर लिया जाएगा। ठीक है, फेनी नदी दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में प्रवाहित एक नदी है, ट्रांसबाउंड्री नदी है, मतलब सीमा भी बनाती है और भारत और बांग्लादेश के मध्य। उद्गम दक्षिण त्रिपुरा जिले से एवं सबरूम शहर से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, नोवाखली जिले से मुहरी नदी, जिसे छोटी फेनी भी कहा जाता है, इसके मुहाने पर आकर मिलती है। 1934 से दो बार हो गया है, यह नदी विवादों में थी। बांग्लादेश की आपत्ति के कारण फेनी नदी से जुड़ी 14 परियोजनाएं वर्ष 2023 से ही रुकी हुई हैं, अतः इस क्षेत्र के गाँवों में सिंचाई प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फेनी नदी किन दो देशों के बीच विवादित थी, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, किस शहर कंट्रोलिंग टू फेनी रिवर्स, इससे फ़ायदे क्या होंगे। द फेनी रिवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर बांग्लादेश, द फेनी फ्लड ईयरली, हर साल बाढ़ आता था तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होगा। फ्लडिंग इज़ कॉज्ड बाय मानसून रेन्स, मानसून रेन की वजह से यहाँ पर बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती थी। स्टॉर्म सर्ज, सी वाटर सर्ज अप द रिवर एंड ऑन टू कोस्टल प्लेन्स, विलेज एंड फील्ड आर फ्लडेड, जो तटीय क्षेत्र था समुद्र का वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती थी और जिससे गांव और खेत खलिहान जो थे वो बाढ़ से भर जाते थे। आगे बढ़ते हैं, इधर फेनी रिवर यहाँ पे बहती है थोड़ी सी, ये है त्रिपुरा वाला क्षेत्र और यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का रास्ता है। भारत इस रास्ते को ही सिर्फ यूज नहीं करना चाहता, अब इससे भी अपने पूर्वोत्तर को कवर करना चाहता, तो म्यांमार के साथ हमारे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है भारत। आगे बढ़ते हैं, सिथवी प्रोजेक्ट भी डेवलप कर रहा है। एक ट्राइब है आसुर ट्राइब्स, चर्चा में क्यों है। द आसुर ट्राइब हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल रेडियो टू ट्रांसमिट लोकल न्यूज़ एंड सॉन्ग्स विच इज़ हेल्पिंग देम रिवाइव द डाइंग ट्राइबल लैंग्वेज, मतलब जो ट्राइबल लैंग्वेज है, जो आदिवासी भाषा है इनकी आसुरी भाषा, उस भाषा को जिंदा रखने के लिए लोग मोबाइल रेडियो यानी रेडियो सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं उनकी लोकल न्यूज़ और सॉन्ग्स के माध्यम से अपनी भाषा को जिंदा रखने के लिए। ये मुख्यतः कौन से हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक एथनिक ग्रुप है, लोकल ग्रुप है, झारखंड में मूलतः निवास करते हैं, इन्हें भी पीवीटीजीज में शामिल किया गया है। भाषा क्या है, आसुरी, 8000 लोग बोलते हैं इसे, यह भाषा विलुप्ति के कगार पर है। त्यौहार क्या क्या मनाते हैं, तो सरहुल मनाते हैं, फगुआ मनाते हैं, नवा खास मनाते हैं, इसके अलावा ये लोग नवरात्र भी मनाते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, 23,000। ठीक है, लतिहार और गुमला डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं। ये देखिए फोटो यहाँ पर आसुर, ये इस तरह से कंप्यूटर रेडियो मोबाइल रेडियो मोबाइल मतलब चलता फिरता रेडियो सिस्टम ये लोग यूज करते हैं और जगह जगह जा करके अपने प्रोग्राम करते हैं और इसके बारे में जागरूकता फैलाते हैं। ठीक, अपनी भाषा को जिंदा रखने के लिए ये इनके थोड़े से प्रोग्राम्स हैं नवरात्रि के समय के। आगे बढ़ते हैं, सुमात्राई गंडा न्यूज़ में क्यों रहा। हाल ही में बोर्नियो स्थित सबा प्रांत में मलेशिया का एकमात्र सुमात्राई नहीं, मलेशिया में पाया जाने वाला एकमात्र सुमात्राई गैंडा की मृत्यु की, जिसका नाम क्या था, ईमान, एक मादा गैंडा है। ठीक है, ये एक फ़ोटो है इसकी, कैंसर हो गया था इसे और जिससे इसकी डेथ हो गई, तो मलेशिया में अब ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, सुमात्राई गैंडा की संख्या अब 80 बची है। इंडोनेशिया के सुमात्रा और बोर्नियो के वनों में अभी भी पाए जाते हैं। खतरा क्या है, एक तो जलवायु परिवर्तन इसके लिए बहुत बड़ा खतरा, दूसरा चीन की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें बहुत सारी ये लोग दवाओं को के लिए प्रयोग करते हैं इनके सींग को, तो इसलिए जो हॉर्न है उसके लिए कई बार इनको मार दिया जाता है बड़े पैमाने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गैंडों की सबसे छोटी प्रजाति होती है सुमात्राई गैंडा, जो वर्ष 2015 में मलेशिया में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सुमात्राई गैंडा सबसे छोटी प्रजाति है, पहले भी बता चुका हूँ, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िए, पूरे विश्व में गैंडों की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, कौन कौन से, सुमात्राई गैंडा, जावन गैंडा और एक सींग वाले वाला गैंडा जिसे ग्रेट इंडियन यूनिकॉर्न भी बोलते हैं। 3 एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं और 2 ब्लैक
राइनोसिरस एंड वाइट राइनोसिरस जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो टोटल 5 हो गए, 3 एशिया और 2 अफ्रीका में, ब्लैक एंड वाइट अफ्रीका में, और एक सिंग वाला यानी ग्रेट इंडियन यूनिकॉर्न और जावा सुमात्रा, ये 3 एशिया में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों की पाँचों की फ़ोटो है। सुमात्रन गैंडा है ये, जिसकी अभी डेथ हुई जिस टाइप की। इसके अलावा ये है जामन गैंडा, ठीक है। जावा राइनोसिरस, वाइट राइनोसिरस और ब्लैक राइनोसिरस, ये दोनों अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है आपका इंडियन राइनोसिरस, जिसे ग्रेट इंडियन यूनिकॉर्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? एशिया में, ठीक है। आगे बढ़िए, जावन राइनो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जावन राइनो आज द मोस्ट थ्रेटेंड ऑफ द 5 राइनो, सबसे ज़्यादा नुकसान इसी का हुआ है। स्पीसीज विच ओनली 58 to 68 इंडिविजुअल्स दैट लिव ओनली इन, याद रखिएगा, उजंग कुलोन नेशनल पार्क इन जावा इंडोनेशिया। जावन राइनो वंस लिव्ड थ्रू आउट इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। पहले ये साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में भी निवास करती थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि ये दुनिया में एकमात्र नेशनल पार्क है, उजंग कुलोन नेशनल पार्क, जो कि जावा में पाया जाता है, और वहाँ पर ये मिल रही है 58 to 68। अभी कुछ दिन पहले ही ये वियतनाम से भी विलुप्त हो गई हैं। तो यहाँ पर स्थित है छोटा सा क्षेत्र जावा का, जहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, उजंग कुलोन नेशनल पार्क, और यहाँ पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाइट राइनो के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो 98.5% वाइट राइनो 5 देशों में निवास करते हैं, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, जिम्बाब्वे एंड युगांडा, ठीक है। ये देखिए, पहले ये काफ़ी क्षेत्र में विस्तृत थे। रिसेंट रेंज कहाँ कहाँ पर थे, ये कुछ बेसिक रीजन है। रिसेंट रेंज जो है वो इंट्रोड्यूस्ड पॉपुलेशन, कुछ क्षेत्रों में भी विस्तृत किया जा रहा है इनको फिर से। और हिस्टोरिकल रेंज, ये पूरा जो क्षेत्र, ये पहले यहाँ पर पाए जाते थे, ठीक है, हिस्टोरिकल रेंज था इनका। ब्लैक राइनो देख लेते हैं, अफ्रीकन राइनो, तो ये जो पूरा सेडेड रीजन है यहाँ पर पहले पाए जाते थे, लेकिन अब जो डॉट्स बने हुए हैं सिर्फ यहाँ पाए जाते हैं, काले अफ्रीकी राइनो। ये है आपका सुमात्रन राइनो का, तो इस पूरे रीजन्स में पहले पाए जाते हैं, इंडिया में भी और म्यांमार, थाईलैंड, इन सब क्षेत्रों में भी, लेकिन अब कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ जो डार्क रीजन्स हैं सुमात्रा के क्षेत्र में, यहाँ पर पाया जाता है सुमात्रन राइनो। थोड़ा सा बोर्नियो वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये इंडियन राइनो, इसका क्षेत्र पूरा विस्तृत है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आज सबसे ज़्यादा एकमात्र जगह है वो है यहाँ पे आपके काजीरंगा आसाम में, ठीक यहाँ पे, ठीक 90% यहीं पाए जाते हैं। बाकी जो तराई क्षेत्र है हिमालय का, इसमें अभी भी इक्का दुक्का कहीं कहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो अफ्रीकन राइनोस पोस्ट 2006 to 2008, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो पोस्ट इसकी पोचिंग हुई है वो बहुत ही ज़्यादा हुई है। 2006 में 60 मारे गए, 2007 में 62, इसी तरह अगर हम 15-16 में देखें यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा 2015 में 1349 मारे गए, थोड़ी थोड़ी इनकी संख्या कम हुई है, 2018 में आकर 892 मारे गए। लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा पोचिंग होना यानी अवैध रूप से इन्हें मारना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो जैसा भी हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।